चबा नहीं रहे हो आप, वही हड़बड़ी और जल्दबाजी मचा। तो ये जो आपने चुकंदर पीस के रख लिया है ना, इनके बीट रूट वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रचना और मेरे चैनल रचना गुप्ता ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए थॉट के साथ। और आज का सुविचार है कि यदि आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे तो आप अपनी खुशियों की गिनती भूल जाओगे। इसीलिए दुखों को एक तरफ रख दो और दुखों को गिनना देखना छोड़ दो। बस अपनी खुशियों पे कंसंट्रेशन करो और आपको क्या चीज़ खुशी देती है उस पे काम करना शुरू करो। और दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए जीना छोड़ दो और अपने लिए जीना शुरू करो। अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ और अपने आप के ऊपर काम करो और अपने आप को खुश रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ एक नए ब्लॉग की। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ पहले गुनगुना पानी पी के, और फिर उसके बाद मैं करने बैठ गई थी आज योगा। क्योंकि अब से मैं ना डेली थोड़ी देर योगा भी किया करूँगी, क्योंकि मेडिटेशन जब मुझे टाइम मिलता है, कभी मैं योगा कर लेती हूँ, कभी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। और अगर मैं सुबह सुबह नहीं कर पाती तो मैं शाम के टाइम कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने सुबह ही कर लिया था आज। और थोड़ी देर योगा करने के बाद, योगा में ना मैं कुछ नहीं, मैं बस बेसिक वाला योगा करती हूँ। जैसे सबसे पहले गहरी सांसों को लेना, उनको छोड़ना, उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी देर कपालभाति। 5-5 मिनट के मैं ये चारों के चारों योगा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद 5 मिनट मैं करती हूँ अनुलोम विलोम, और उसके बाद मैं करती हूँ भ्रांतरी प्राणायाम, जिसको भ्रामरी भी कहते हैं। इसमें मैं करती हूँ ओम का उच्चारण और अपनी आँखों को, कानों को, नाक को, सबको बंद कर लेती हूँ। और जिससे जो ये ओम का उच्चारण होता है, ये पूरे दिमाग में गूंजता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होते हैं। तो अगर आप लोगों का मन भी ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो थोड़ी देर के लिए प्राणायाम ज़रूर कीजिए। प्राणायाम करना बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना होता है और बस सांस लेना और छोड़ना होता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप सब लोग भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद प्राणायाम करने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए। ये मैंने ना खीरे काट लिए हैं सलाद के लिए। जो भी हमें मतलब खाना खाना है, जब भी हमें खाना खाना, जितनी बार भी, उतनी बार ना आपको खाने के साथ सलाद काटनी है। जो भी सलाद में अवेलेबल हो आपके घर, खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, चुकंदर, कुछ भी। तो मैंने फ़िलहाल ये खीरा काट लिया है। और अगर अगर सब्जियों वाली सलाद ना हो ना तो कुछ भी फ्रूट्स ले लो आप, लेकिन मतलब खाली ऐसे खाना नहीं खाओ, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर लेनी है साथ में, ठीक है। और ये मैंने काट लिया है चुकंदर। अब चुकंदर ना मुझसे खाया नहीं जाता है, ऐसे चबा चबा कर मेरे गले में ना मतलब अजीब सा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस चुकंदर को ना मैं पीस लूँगी और मैं इसमें अपनी रोटी जो है वो इसी में माड़ूंगी, ठीक है। अपनी रोटी का आटा जो है वो मैं इसी से लगाऊंगी, जिससे हमारी तैयार हो जाएगी वेट लॉस रोटी। तो वो मैं आपको इस वाले ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके वेट लॉस के बारे में। तो ये चुकंदर है, ये मैं डाल रही हूँ सारा का सारा मिक्सी के जार में। और साथ में ना इसमें डालूंगी मैं 1 कप भर के पूरा बड़ा वाला पानी। तो ये रहा, इसमें 1 गिलास पानी है, ये मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और इसको हम मिक्सी पे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमें मिल जाए एक रॉ और स्मूथ पेस्ट, जिसमें हम आराम से ना अपने लिए आटा गूंथ सकें। ये जो चुकंदर है ये अच्छे से पिस चुका है, और ये अब ना कम से कम 1 हफ्ते के लिए हमारा वेट लॉस रोटी का मटेरियल तैयार हो चुका है। और इससे आपकी ना आयरन की कमी भी पूरी हो गई। अगर आपकी बॉडी में वेट लॉस की वजह से आयरन कम हो गया है तो वो भी पूरी हो जाएगी। और साथ में यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी रोटी वेट लॉस वाली आप इससे आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा और भी ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वेट लॉस रोटी बनाने के, जो मैं आपको ना एक एक करके वीडियोस में दिखाती रहूँगी। तो वीडियोस में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप और भी अच्छी अच्छी वेट लॉस वाली वीडियोज़ को देख सकें। जो वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं, और बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। ये जो आपने चुकंदर पीस के रख लिया है ना, इनके बीट रूट, बहुत से लोग ना चुकंदर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको बीट रूट भी कहते हैं। और ये जो आपने पीस के रख लिया है, इसको फ्रिज में लगा दीजिए और आराम से जब भी आप अपना खाना बनाएं तब अपने आटे को इसी में माड़िए, इससे आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा।
तो चलो शुरुआत करते हैं इस बीटरूट वाला जो हमने पीस के मिक्सचर बनाया था, एक मतलब बीटरूट का जो हमने जूस बनाया था, इससे हम अपना आटा गूंथना शुरू करते हैं। तो मैं अपनी दो रोटियों के लिए आटा मार रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया है और उसमें ना चम्मच से कर कर के ना इसका ये जो मिक्सचर था पिसा हुआ बीटरूट वाला, इसको डालते जाना है। आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने पानी डाल के ये पीसा था, तो ये ऑलरेडी लिक्विड था। और वैसे भी जितना ज़्यादा आप इसको ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वेट लॉस रोटी में इफ़ेक्ट आएगा, तो इसीलिए इसमें आपको इससे आटा गूंथने में आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। सीधे और सीधे ना इसी वाले मिक्सचर से ही अपनी रोटियों का आटा गूंथ लीजिए। तो मैंने दो रोटी के हिसाब से गूंथा था, तो ये मैं बना रही हूँ अब रोटी। तो ये इसमें मैंने लगाया परोथन और मैं इसको बेल रही हूँ और फिर इसको ना तवे पे सेक देंगे। एक बात और कहना चाहूँगी कि जो बीटरूट की जो रोटी होती है ना, इसको ना आपको गैस पे, मतलब जैसे हम रोटियाँ सेकते हैं ना तवे पे सेकते हैं फिर हम उतार के गैस पे सेकते हैं, तो ये ना आपको गैस पे नहीं सेकनी है बिल्कुल भी, ये आपको ना तवे पे ऊपर ही ऊपर सेकनी है। वरना जैसे वो वाली रोटी सेकते हो ना वो तो ठीक आती है, लेकिन ये जो बीटरूट की रोटी है ये अजीब सी हो जाती है, हरी हरी सी और अच्छी भी नहीं लगती। तो गैस के ऊपर ही आप ना किसी करछुली से या फिर किसी भी चमचे से ना दबा दबा के सेक लीजिए और फिर जब रोटी आप नीचे उतार लो वो ठंडी हो जाए थोड़ी, तब उस पर घी लगाना। और चाहो तो आप इसका वेट लॉस पराठा भी बना सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल ना ऐसे ही सेक लिया था इसको, और दोनों रोटी जब मेरी सिक गई थी तो फिर मैंने सब्जी और सैलड के साथ इंजॉय किया था। मुझे सर्दी हो रही है तो दही फ़िलहाल मैं अभी कुछ दिन के लिए नहीं खा रही हूँ। तो सर्दी के मौसम में आपसे भी कहूँगी कि दही या ठंडी चीज़ें जो है वो कुछ दिन के लिए इग्नोर कर दें, बाकी तो सब कुछ खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर चीज़ें फ्रिज के अंदर नहीं रखी हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं, वो ठंडी हो या गर्म हो, बाहर के टेम्परेचर पे वो सब कुछ ना नॉर्मल ही होता है। बस अगर फ्रिज के अंदर आपने कोई चीज़ लगा दी है और अगर आपको सर्दी हो रही है तो उसे ना खाएं। और सर्दी के लिए एक स्पेशल काढ़ा मैंने अपने दूसरे वाले चैनल जिसका नाम है फिटनेस विद रचना पर अपलोड कर रखा है, वो काढ़ा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सर्दी को चुटकियों में दूर कर देता है और मैं भी इसी को पीती हूँ और अभी भी पी रही हूँ। 3-4 दिन में जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है, इफ़ेक्ट तो पहले दिन से ही दिखने लगता है। तो देखो ये ना मैं आपको ना रोटी सेक के दिखा रही हूँ कि अगर आप ऐसे सेकोगे तो क्या होगा रोटी का, इसीलिए कह रही हूँ आपसे कि तवे के ऊपर ही सेकना, इसे गैस पे मत सेकना, तो अच्छी नहीं सिकती, बहुत अजीब सी हो जाती है और जली जली सी भी हो जाएगी कहीं से। और इसीलिए अब मैंने आपको ये दिखाया, लेकिन अब मैं देखो अब मैं इसे तवे के ऊपर ही सेकूँगी। तो तवे पे अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे और फिर रोटी को नीचे उतार के जब वो ठंडी हो जाएगी तब उस पर लगा देंगे घी। और पराठा सेकना चाहते हो तो तवे पे ही थोड़ा सा ऑयल लगा के पराठा सेक लो, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि इसका टेस्ट, मतलब ऐसा तो नहीं हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बीटरूट की रोटी पराठे बनते हैं इनमें टेस्ट ही नहीं होता। मतलब जब वैसे तो जब आप बीटरूट का जूस पीते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट लगता है, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से ना वेट लॉस की रोटी में ऐड करके खाते हैं ना आटे में, तो इसका कोई टेस्ट पता ही नहीं चलता। आप जो सब्जी और दाल या रायता कुछ भी चीज़ इससे लगा के खाओगे आपको उसी का टेस्ट आएगा, इसमें कुछ ऐसा खास टेस्ट पता नहीं चलता। तो मैंने लगा लिया था हल्का सा घी इस पे और मैंने अपना पराठा सेक लिया था क्योंकि दही तो मैं खा ही नहीं रही थी और मुझे खाना था सूखी सब्जी से खाना, तो थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लगता है कुछ जैसे अगर साथ में लिक्विड नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इसका पराठा बना लिया था। मुझे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और यकीन मानिए मैंने बहुत पराठे खाए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने पराठा खाना छोड़ा है, मुझे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान मैंने बहुत पराठे खाए हैं। मैं अब तक अपना 17 किलो वेट कम कर चुकी हूँ और अभी भी मेरी वेट लॉस जर्नी जो है वो कंटिन्यू है, और ये लग चुकी है मेरी वेट लॉस थाली जिसको आप सब लोग देख लीजिए। इसमें से एक चम्मच सब्जी मैंने पतिदेव को दे दी थी जो कि दिखाई दे रही है कटोरी में कि इसमें से एक चम्मच सब्जी निकली हुई है। तो जो कुछ सच है सब कुछ वही दिखाती हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए कोई भी फेक वीडियो में शूट करती हूँ। तो आप सब लोगों ने देखा कि मैंने कैसे ना चुकंदर वाली रोटी बनाई है और आप सब लोगों को मैंने अपनी ना थाली दिखाई थी और ये मैं खा रही हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं खाऊंगी ये खीरे सारे 32 बार चबा चबा के, उसके बाद दही और रायता मैंने आज नहीं लिया है क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस इस तरीके से ना ये वेट लॉस थाली लग चुकी है, आप लोगों को भी इसी तरीके से लगानी है और इस थाली को 32 बार चबा चबा के ही खाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताना कमेंट करके, और टिप्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर देना। तो अब मैं अपना लंच कर लेती हूँ फिर आपसे आगे की वीडियो में। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ना धनिया लेते हैं सब्जी वाले से तो वो हमें ऐसे डंठल के साथ मिलता है ना,
तो हम लोग क्या करते हैं कि ना धनिया के पत्ते बीन के रख लेते हैं सब्जियों में, दालों में डालने के लिए या कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, और इन डंठल को हम फेंक देते हैं, है ना। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, मैं भी ऐसी करती थी पहले, लेकिन अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम हैं एक सफल गृहिणी, हमको सारे के सारे अच्छे वाले एक्टिव वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए घर के, जिससे हम कोई भी चीज़ ना वेस्ट ना करें। और वैसे भी आजकल सब लोग ये बोल रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का ना रीयूज़ करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कुछ दिन पहले, और अब मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि जैसे अब मैंने ये धनिया नुका लिया धनिया में से, ठीक है। अब ये जो डंठल है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो धनिया वाटर होता है वो वेट लॉस करता है, तो क्यों ना इन डंठल को फेंकने से पहले बॉईल करके इसका पानी निकाल के पी लिया जाए, और फिर इसको, वैसे भी हम वो इसको फेंकना तो है ही, है ना, तो क्या क्या ज़रूरत है इसको ऐसे ही फेंकने की और वेस्ट करने की। उससे पहले हम इसको उबालेंगे और इसका पानी पियेंगे। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ, और आप लोग भी ना अपने वेट लॉस ड्रिंक में, वेट लॉस वाटर में इसको ऐड कर लो, बॉयल करके पी लो और फिर देन फेंक दो। तो आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी ऐसी ही और अच्छी अच्छी टिप्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना। और बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको क्या क्या देखना है मेरी वीडियोस में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो चुका है डिनर का टाइम, आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है सर्दी की वजह से, एक नाक बिल्कुल बंद है मेरी। तो अब हो चुका है मेरा डिनर का टाइम, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि खाने पीने की मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, कब कैसे खा रही हूँ और दिखा रही हूँ। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि चुकंदर को ना पीस के मैंने अपनी रोटी में, मतलब उसके आटे के लिए बनाया था एक बैटर, तो उसी की रोटी ना मैंने अब रात को भी बनाई है, चुकंदर वाली रोटी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है, और सर्दी हो रही है तो मैंने दही नहीं लिया है, साथ में ये ली है मैंने ग्रेवी, जो पनीर वाली ग्रेवी बनाते हैं ना वो है, क्योंकि कुछ और आज सोच नहीं रहा था तो यही बना लिया था मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ तो मैं ये ग्रेवी बना देती हूँ, और रात का समय है तो कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो यही खा रहे हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि ना खाना, एक तो आपको ना रात का डिनर सोने के कम 3 घंटे पहले कर लेना है, जैसे मैं सोती हूँ 12 बजे के बाद, तो मैं 8:30 बजे अपना डिनर कर लेती हूँ, अभी 8:30 बज रहे हैं, मैं डिनर लेके बैठी हूँ, मुझे आधा घंटा लगेगा खाने में, और 32 बार से जब आप खाओगे ना चबा चबा के, तो आपको कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट लगते हैं खाने में। अगर आपको 20 मिनट से कम लग रहा है खाना खाने में, का मतलब है आप 32 बार फॉलो नहीं कर रहे ठीक से, है ना, आप ठीक से चबा नहीं रहे हो, आप वही हड़बड़ी और जल्दबाजी मचा रहे हो खाना खाने में, ठीक है। और अगर आपको 40-45 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग रहा है खाना खाने में, तो इसका मतलब है कि आप या तो मोबाइल चला रहे हो या फिर आप टीवी देख रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा का समय भी नहीं लगता खाना खाने में, ठीक है, या फिर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, आपका पेट भर चुका है और आप फिर भी खा रहे हो, क्योंकि कम से कम 20 से 25 मिनट बाद ना हमारे दिमाग को ना ये सिग्नल पहुंच जाता है कि हमारा पेट भर चुका है, तो हम जो भी खा रहे होते हैं उसके बाद हमारा खाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप उसके बाद भी खा रहे हो, मतलब आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो देखो इतना बड़ा गसा आपको तोड़ना है एक बार में, ठीक है, देखो उस पर घी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो उसके बाद इस तरीके से ग्रेवी में लगाना है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये लगा लिया, तो मैंने चबाया है 42 बार, यानी कि 42 टाइम्स मेरा एक गसा चबा है, ठीक है, आपको कम से कम 32 बार तो चबाना ही है, इससे ज़्यादा चबा सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने सब शुरू किया था ना तो मैं गिन के चबाती थी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए गिना है, अब तो मुझे आदत पड़ गई है स्लो ईटिंग की और चबा चबा के खाने की, तो मैं बिना चबाए ना खाना सटक ही नहीं पाती, लेकिन मैं ये आपको दिखा रही थी कि आपको कैसे चबाना है, ठीक है। तो मेरा एक गसा चबा है 42 टाइम्स में, आपको कम से कम 32 बार तो चबाना ही है। बाकी वीडियोस आप मेरी देखते रहिए वेट लॉस करने के लिए, आई होप सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसके साथ साथ मैं आपको अभी सोने से पहले का रूटीन भी दिखाऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखना।
ये है मेरा रात का ना मतलब नाइट वेट लॉस ड्रिंक ना, इसमें है जीरा, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा शहद, इसका आधा कप पीऊंगी, मतलब बड़ा वाला कप है, आप छोटे वाले कप में पियो तो एक कप पी लेना, ठीक है। तो सर्दी में भी फ़ायदा करता है ये, और ये वेट लॉस ड्रिंक भी है, जीरा वाटर की तरह से है, इसमें अदरक और जो भी आप मतलब ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, मैंने फिलहाल इसमें अदरक और मैंने आपको बता दी कि क्या क्या ऐड किया है, तो इसे लूँगी, इसके बाद पीऊँगी थोड़ा सा दूध और फिर सो जाऊँगी। तो नाइट वेट लॉस ड्रिंक पिए हुए 1 घंटा हो चुका है और अब मैं जा रही थी सोने, तो मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया है, तो दूध पीऊँगी और सो जाऊँगी। आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग पूरा पूरा एंजॉय किया होगा और आप मेरे अगले ब्लॉग्स देखने के लिए उत्सुक होंगे, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।